दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से HTML में स्टाइल को चेंज करेंगे, वो भी कैसे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि चेंज HTML स्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं CSS बोलते हैं, और CSS तो बाद में बताएंगे कैसे करना होगा, यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम कोड लिखेंगे HTML का। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डॉक टाइप से, डॉक टाइप, और लिखेंगे यहाँ पर HTML। यहाँ से स्टार्ट करेंगे HTML ओपन टैग, फिर बॉडी टैग ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम एक H2 टैग लिख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ मैसेज हम लोग लिख देते हैं कि वी कैन चेंज क्या स्टाइल यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, और H2 टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और जिसमें हमें जिसका हमें स्टाइल को चेंज करना है वो होगा हमारा P टैग। इसकी ID हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ID इक्वल टू X लिख देते हैं, और यहाँ पर प्रोग्राम ऑल राउंड लिखते हैं, और पी टैग को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब बटन यहाँ पे लगाएंगे, बटन, और टाइप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू बटन लिखेंगे, बटन के क्लिक इवेंट पे। तो यहाँ पर एक की वर्ड लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट में ई कैपिटल रहेगा, बाई में बी कैपिटल रहेगा, और आईडी में आई कैपिटल रहेगा, और ये तीनों जो हैं वर्ड एक साथ लिखा जाएगा विदाउट स्पेस से, यानी गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसके बाद से हम आईडी को कॉल करेंगे, तो आईडी हमारा क्या है, तो ये पी की आईडी जो है यही आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स डॉट। अब पी का जो ये पी है टैग, इसका हमें स्टाइल में कुछ करना है, इसके स्टाइल में मान लेते हैं हम लोग को फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डॉट स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल टू सिंगल कोट्स में हम यहाँ पे साइज डिफाइन कर देते हैं, मान कर चलिए 48px, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, फिर डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं। डबल कोट्स क्लोज करने के बाद हम ये टैग भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये टैग आपका, ये टैग यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर क्लोज है, तो ये स्टार्ट टैग में ये लिखा है। इसके बाद हमें लिखना होगा क्लिक हेयर, क्लिक हेयर,
और बटन को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, बॉडी को क्लोज करेंगे और फिर HTML को क्लोज करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो P टैग है ना, नॉर्मल आपका ये टेक्स्ट को शो करेगा, लेकिन जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन क्लिक लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इस ID से इसके डेटा को ये फैच करेगा और लिखा हुआ है डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू 48 पिक्सल, यानी कि जो इसमें जो डेटा लिखा हुआ है इसका जो साइज़ है 48 पिक्सल कर देगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका हम प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को और भी चीज़ें बता देते हैं। नेक्स्ट आप को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम न्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि किस तरह से हम लोग हाइड कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, यानी कि वी कैन हाइड कंटेंट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट यूज करके हम लोग कैसे कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, यानी कि किसी बटन पे क्लिक करें तो उसका कंटेंट हाइड हो जाए, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, डॉक टाइप HTML यहाँ पर लिखिए, ओपन टैग, फिर बॉडी टैग लगाया और ये H2 टैग लगाया, इसमें कुछ मैसेज लिख दिया, कोड फॉर हाइड कंटेंट इन जावा स्क्रिप्ट, और H2 को हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर हमने P टैग लगाया, ID इक्वल टू वही लिख लेते हैं, X लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्राम ऑल राउंड, और P टैग को हम क्लोज कर देते हैं। फिर पैराग्राफ लगाने के बाद से हम यहाँ पर बटन टैग लगा देते हैं, बटन इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यानी कि ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें जो ID लिखेंगे वो लिखेंगे X, ठीक है, ये हो गया। डॉट डिस्प्ले नन कर देते हैं, यानी कि जो हमारा जो डेटा है ना यहाँ पे, ये वो जो डेटा दिखाएगा ना, ये कंटेंट इसको बोलते हैं, ये P टैग है, ओपन टैग है P, और ये क्लोज टैग है, इसमें इसके बीच में जो ये डेटा लिखते हैं ना, यही हमारा डेटा शो होता है। तो इसका जो डिस्प्ले होगा वो हम लोग क्या कर दें, नन कर दें, डबल कोट्स क्लोज, और यहाँ पर सेमी कोलन क्लोज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉडी को क्लोज और HTML को क्लोज। तो इस तरह से हम कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। अब कंटेंट को किस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं ये हमें बताना है, ये जितने भी हम बता रहे हैं वो सारे चीज़ हम आपको प्रैक्टिकल करके अभी बताएंगे। शो कैसे करेंगे, तो शो करने वाला भी इस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बनेगा
कि वी कैन शो हाइड एच टी एम एल कंटेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वी कैन शो हाइड एच टी एम एल कंटेंट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट यूज करके हम लोग हाइड कंटेंट को शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डॉक टाइप लिखिए, HTML लिखिए, HTML टैग को स्टार्ट करिए, HTML टैग को हमने ओपन कर दिया, फिर बॉडी टैग लगाया, H2 टैग लगा दिया। H2 टैग में यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देते हैं कि वी कैन शो हाइड HTML कंटेंट और H2 को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं P टैग लगाते हैं और ID इक्वल टू डबल कोट्स में X लिखते हैं और स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पर डिस्प्ले नन लिख देते हैं, मान लो कि ये लिखा हुआ है ठीक। और इसके बाद से आपने लिखा है प्रोग्राम ऑल राउंड और पी को क्या किया आपने क्लोज कर दिया। तो ये जो लिखा हुआ है डिस्प्ले, ये स्टाइल जो लिखा हुआ है डिस्प्ले नन, यानी कि जब भी आप इसको रन कराओगे ना तो ये आपका डेटा शो नहीं होगा ठीक है। तो इसको शो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं बटन टाइप लिखेंगे, टाइप इक्वल टू बटन और क्या लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हम लोगों का, तो आईडी ये है एक्स, तो ये एक्स हमने आईडी ले लिया। और आपको क्या लिखना है डॉट स्टाइल, है ना, स्टाइल जो है STYLE यहाँ पर लिखना है स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू एक होता है वर्ड ब्लॉक, है ना, ये आपका जो कोड है ये शो कर देगा ठीक है। और इसके बाद से आप लिख सकते हो क्लिक हेयर, फिर बटन को आप क्या करोगे क्लोज कर दोगे। तो ये हो गया आपका कि किस तरह से आप HTML कंटेंट को शो करा सकते हो, यानी कि मान लीजिए कि आपका HTML कंटेंट हाइड है तो उसको आप कैसे शो करा सकते हो। तो चलिए हम लोग ये चीज़ें एडिटर पर बताते हैं ये सारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नोटपैड प्लस प्लस ले लेते हैं, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया है। नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया। अब इसके वजह से हम लोग न्यू फाइल पे जाते हैं और यहाँ पर डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, एक ही फाइल हम बनाते हैं और इसी में सारे प्रोग्राम हम रन करा करके दिखा देंगे। HTML ओपन करें और HTML को क्लोज किए, इसके अंदर हमने यहाँ पर बॉडी
बॉडी को ओपन किया और बॉडी को क्लोज कर दिया। पहले हम इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे फाइल में जाते हैं, सेव एज कर देते हैं। सेव एज में हमने बहुत पहले एक डी ड्राइव में 5 to 6 क्लास रखा था, या मनीष में शायद, मैं देख लेता हूँ। शायद डेस्कटॉप में लिखा था 5 to 6 बैच, या वेब पेज के नाम से हमने वेब पेज के नाम से हम बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट डॉट html, ठीक है, वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट डॉट html के नाम से हम उसको भी ओपन करके रख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर वेब पेज के अंदर जावा स्क्रिप्ट डॉट html इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी इसमें हमने कुछ किया नहीं है, तो हमारे पास ये ओपन हो गया, अब प्लस ये नोट पैड ओपन हो गया। अब इसमें जो कुछ भी लिखेंगे हम वहाँ पे शो करेंगे। h2 टैग लगाते हैं, h2 टैग को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहला नंबर प्रोग्रामिंग हम लोग क्या लिखे थे, पहला नंबर प्रोग्रामिंग हम लोग स्टाइल शीट के बारे में लिखा था कि किस तरह से हम लोग स्टाइल के थ्रू जावा स्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वी कैन चेंज स्टाइल यूजिंग जावा स्क्रिप्ट ठीक है। और इसके बाद से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पी टैग लगा देते हैं और आईडी इक्वल टू हम यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। पी टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, सिंपल सा यहाँ पर लिख देते हैं प्रोग्राम ऑलराउंड, अपने ही चैनल का नाम लिख देते हैं प्रोग्राम ऑलराउंड, और बटन लगाएंगे इसके बाद। तो बटन लगा दिया, टाइप भी लिख दिया, टाइप इज इक्वल टू लिख दिया क्या, तो बटन लिख दिया, और ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। देखो जब भी प्रोग्राम करो ना, तो यदि आपका डबल कोट्स लगाना है ओपन और क्लोज, तो वहीं पे लिख दो, उसके बीच में कर्सर ले जा करके तब कोड लिखिए, तो आपके लिए सही रहेगा। तो बटन इज इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज कर दिया, उसके बीच में है ना, इसके मिड में हम लिख दिए यहाँ पर क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा। और इसमें हम लोग जो आईडी यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एक्स वाला यूज करेंगे, और फिर लिखेंगे क्या, डॉट स्टाइल ठीक है, डॉट फॉन्ट साइज। देखो इसके अंदर जितने भी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है ना, वो सारा चीज़ कर सकते हो, फॉन्ट साइज डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इक्वल टू सिंगल कोट्स में आप लिख दीजिए, हमने लिखा था वहाँ पे 48px, ये लिखा था ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो दिखेगा आपको, देखिए ये हमारा बटन का स्टार्ट टैग हुआ, और बटन का क्लोज टैग कर दीजिए, बटन का क्लोज टैग हो गया, देखिए दोनों हाईलाइट हो गया। और इसके बीच में हम लोग लिख लेते हैं क्लिक हेयर, कंट्रोल एस करिए, और जो हमने ये रन कराया इसको रिफ्रेश करिए, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना,
तो इसका साइज यहाँ पर फॉन्ट साइज डेस नहीं होगा, कैपिटल में ए साइज ए डी होगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करिए और क्लिक हेयर करिए, तो देखिए आप कि प्रोग्राम ऑलर्न जो वहाँ पे लिखे थे उसका 38 पिक्सल हो गया। अब इसी में हम लोग चेंज कर देंगे कि किस तरह से हम लोग हाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाइड करने का कोड हम लोग लिख देते हैं, तुरंत हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टाइल ना लिख करके डॉट डिस्प्ले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉट डिस्प्ले, ठीक। डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक। डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दीजिए, कंट्रोल एस करके, और यहाँ पर रिफ्रेश करिए और क्लिक हेयर करिए, और यहाँ पर एक चीज़ कर लीजिए, सेमीकोलन लगा लीजिए। तो एक्स डॉट डिस्प्ले इसमें आपका एक चीज हो सकता है, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दो, सिंगल कोट्स लगा दो, तो ये डिस्प्ले नन हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू सिंगल कोट्स में नन, ये कोडिंग आपका रन हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो नन मतलब हाइड करने का तो कोड हो गया। अब हमारा यदि डेटा हाइड है, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं स्टाइल और इक्वल टू डबल कोट्स में डिस्प्ले नन लिख देते हैं, डिस्प्ले नन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम डिस्प्ले नन करेंगे, और यहाँ से हम कोड हटा देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और इसको रिफ्रेश करके, तो देखिए यहाँ पे डेटा हमारा हाइड हो गया। जो प्रोग्राम ऑलराउंड था, हमने तो यहाँ पे डिस्प्ले नन लिखा है। अब यहाँ पर जो लिख देंगे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू सिंगल कोट्स में ब्लॉक, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, रन करा देते हैं, कंट्रोल एस करिए और यहाँ पर जाकर के रिफ्रेश करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाए क्या, तो सबसे पहले पढ़ाए हमने कि किस तरह से हम लोग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ाया था कि किस तरह से हम लोग कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, और तीसरा हमने प्रोग्राम बताया कि किस तरह से हाइड कंटेंट को हम शो करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम
पढ़ेंगे आगे के लिए। धन्यवाद।